प्रश्न पूछा है, आधुनिक समय में शिवाम्बु की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं? आप देखें, आज आधुनिक वैद्य शास्त्र ने कभी नहीं थी इतनी तरक्की कर चुके हैं। आज हर अंग का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। आज इतनी सारी गोली दवाइयों का आविष्कार हुआ है। आज नए नए डायग्नोस्टिक टूल्स खोजे गए हैं। शरीर के अंदर की सारी कलपुर्जों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज इतर प्राणियों से हम तुलना करें, मनुष्य प्राणी दिन ब दिन बीमार पड़ता जा रहा है। हमने 19-20 के दशक में हमने देखा कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर एक मेडिकल साइंस ऐसे लगा कि एक सैचुरेशन में है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लोग क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, है ना? सचमुच कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं या सिर्फ भयभीत होकर मर रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ न कुछ एक मिसिंग लिंक है। आप अगर देखें कि शरीर को सिर्फ कृत्रिम दवाइयों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है, एक बहुत बड़ा भ्रम है और उस भ्रम से बाहर आने की जरूरत है। हम कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करना है उसके लिए एक शरीर माध्यम है, एक साधन है। योग शास्त्र कहता है, धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलमुत्तम, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ करने के लिए मुझे क्या मिला है? ये प्रिशियस 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 मनुष्य जन्म मिला है। और ये चार पुरुषार्थ करना ही के लिए ही हमको क्या चाहिए? स्वास्थ्य संपन्न शरीर होना चाहिए। ये प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं, सिर सलामत तो पगड़ी 50, एक कहावत है ना, अगर सिर है तो 50 पगड़ियां हम खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं। इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य ही जीवन का असली गहना है। इसी कारण आज सभी को स्वास्थ्य चाहिए। आज किसी को भी पूछो, तुम्हारे जीवन में क्या कमी है, बोलता है यहीं पे दर्द है, कहीं ये पेन मैनेजमेंट हो जाए, मेरा डायबिटीज कम हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, मेरा वजन बढ़ रहा है वो कम हो जाए, मैं स्वस्थ रहूं, यही आज प्राथमिक नीड है। परंतु आज इस आधुनिक युग में हमें यह दिखाई देता है कि समाज में विभिन्न बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। डायबिटीज, त्वचा विकार, अल्सर, कैंसर, गठिया, संधिवात, पक्षाघात, है ना, पैरालिसिस, सोरायसिस, बद्धकोष्ठता, पाचन विकार, थायराइड की बीमारी, मोटापे जैसी बीमारी, ऐसे अनेक मनोकायिक बीमारियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। एक्चुअली इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रगति एवं विकास के नाम पर प्रकृति से दूर जा रहा है और प्रकृति नियमों के खिलाफ जीवन जी रहा है। उसी प्रकार इन बीमारियों का निस्तारण हेतु जो वैद्यकीय प्रणालियां प्रचलित है वे कृत्रिम एवं कमजोर सिद्ध हो रही है। एक और आज की अनियंत्रित और दिशाहीन औद्योगिक क्रांति के कारण हमारे चारों ओर और प्रकृति के नुकसान हुआ है। खाद्य वस्तुएं, पानी एवं बाह्य वातावरण पूरी तरह से दूषित हुआ है। तो दूसरी ओर प्रत्येक छोटी मोटी बीमारियों के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाओं के कारण आंतरिक रोग प्रतिकार शक्ति कमजोर एवं पराश्रित हो रही है। आज सभी बीमारियों के लिए उपयोग में लाने वाली दवाइयां अस्थाई असर दिखने वाली है। उनके साइड इफेक्ट्स भी इतने भयंकर हैं कि साथ ही इन दवाओं की कीमतें भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शिवाम्बु उपचार पद्धति सबसे सस्ती, मस्त, सुलभ और सुरक्षित है। यह समाज के सभी सर्वसामान्य के लिए एक वरदान है। असाध्य बीमारियों पर जहां जहां दवाइयां कमजोर सिद्ध हो रही है, वहीं हमारे ही शरीर के द्वारा बनाई गई शिवाम्बु चिकित्सा एक निशुल्क दवा है। उसके ऊपर भी जाकर मैं कहूं, अगर अपने संपूर्ण अस्तित्व के ऊपर अगर उपचार करना है तो शिवाम्बु एक कारगर क्रिया है। हम जानते हैं, हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, मरने के बाद तो शरीर इधर ही रह जाता है, इस शरीर के आगे भी हमारा अस्तित्व है। पहला शरीर अन्नमय शरीर, जो सप्त धातुओं से बनता है, उसका भरण पोषण अन्न से होता है। वो अन्न शुद्ध और संतुलित है कि नहीं, ये देखते नहीं है।
उसको शुद्ध करने के लिए अलग अलग योगिक क्रियाएं आसन करने के लिए शास्त्रों में बताया है। दूसरा शरीर है प्राणमय शरीर, जो दिखता नहीं लेकिन वो है, अदृश्य है। उसके अंदर पंच प्राण बहते रहते, उसका खाद्य सांस है और उसके लिए प्राणायाम बताया है। तीसरा शरीर मनोमय शरीर, जो मनस्मृति अहंकार से बनता है, उसका भरण पोषण विचारों से होता है और उसकी शुद्धि के लिए मौन और ध्यान बताया है। चौथा शरीर है विज्ञानमय शरीर, जो बुद्धि से बनता है और उसका खाना है सम्यक ज्ञान और उसकी शुद्धि के लिए मौन और ध्यान बताया है। और तब जाके इन चार शरीरों को शुद्ध करने के बाद हम पांचवें स्तर पर पांचवें अस्तित्व को अनुभव करते हैं, वो है आनंदमय शरीर, यानी हम आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, जिसको हम आत्मा कहे, परमात्मा कहे, जो भी कहे, यानी हर एक के अंदर वो चैतन्य है। और उस चैतन्य को अगर पाना है, उस आनंद को अनुभव करना है, सच्चिदानंद हमारे जीवन में हर समय बना रहे, अगर ऐसा लगता है तो शुरुआत इस अन्नमय देह की शुद्धि से है। और इस अन्नमय देह को, यानी सप्त धातुओं से बने इस शरीर को, जो अन्न से बना है, ये अन्न ही हम खाते हैं, गलत खाते हैं, तो उसको शुद्ध बनाने के लिए योग शास्त्र में आमरोली क्रिया बताई है। आमरोली का मतलब है वन हैज टू ड्रिंक हिज ओन यूरिन फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, यानी बूंद बाय बूंद जब आप शिवामु पीते हो, आमरोली करते हो, तो देह शुद्ध हो जाता है और उस चैतन्य स्वरूप अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। छोड़ो, आनंद चाहिए तो शुरुआत इस देह की शुद्धि से है। जब देह भान नहीं होता है तब आनंद होता है, तो देह शुद्ध करें। और देह शुद्ध करने का आसान तरीका कोई है तो वो आमरोली क्रिया है। और आमरोली इज नथिंग बट क्या है, शिवाम्बु पान है। धन्यवाद।